बाहुबली 3 अब किस महाग्रंथ पर होगी? फिल्म बाहुबली के एक्टर प्रभास का पूरा नाम क्या है? बाहुबली द बिगनिंग से प्रभास के सर्वश्रेष्ठ सीन कौन कौन से हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गरिमा तोमर। आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। फिल्म बाहुबली की लोकप्रियता से देश भर में फेमस हुए फिल्म एक्टर प्रभास एक्शन फिल्म में मुख्य भूमिका निभाते नजर आए थे। फिल्म एक्टर प्रभास का पूरा नाम शायद आप नहीं जानते होंगे, तो आपको बता देते हैं, लेकिन आप जानकर शॉक जरूर हो जाएंगे, क्योंकि एक उच्चारण में कोई उनका पूरा नाम ले ही नहीं पाएगा। नाम ही थोड़ा ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है, मतलब उपलापति वेंकट सत्यनारायण प्रभास राजू, मतलब ये उनका पूरा नाम है। और उन्हें आमतौर पर तो लोग प्रभास के रूप में जानते ही हैं, वो देश के इतने ज़्यादा चहेते एक्टर हैं। उन्होंने बहुभाषी फिल्मों में काम किया है और पूरे देश के दर्शकों से उन्हें बहुत प्यार मिला है। प्रभास ने देश को कुछ शानदार तमिल और तेलुगु भाषा की फिल्में भी दी हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2002 में तेलुगु एक्शन ड्रामा ईश्वर फिल्म से की थी। तो SS राजामौली की एक्शन फिल्म बाहुबली द बिगनिंग 2015 में आई थी, जिसमें प्रभास ने मुख्य भूमिका निभाकर सबको चौंका दिया था। और इसी फिल्म से उन्हें सबसे ज़्यादा अधिक भी जाना गया, जो आज तक की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी। तो आज हम प्रभास के इस कल्ट फिल्म यानी बाहुबली द बिगनिंग फिल्म के सर्वश्रेष्ठ सीन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला सीन है जब वो पहाड़ पर चढ़ते हैं। महेंद्र बाहुबली को एक सुंदर नीले तितली के पीछे भागते हुए देखा जाता है, जो उन्हें अपने सपनों की लड़की तक ले जाती है। इस सीन में प्रभास ने जिस तरह से अभिनय किया वो उल्लेखनीय है। उन्होंने सीन को बहुत आनंददायक बना दिया। प्रभास ने इसे बहुत ही सहजता से निभाया और सभी इसके कायल हो गए थे। वहीं दूसरा सीन है शिवलिंग उठाना। स्वामी जी ने शिवा की माँ से 101 दिनों के लिए पवित्र शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहा था, ताकि उनका पुत्र उनकी बात सुने और पहाड़ पर चढ़ना बंद कर दे। शिवा उन्हें रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो मना कर देती हैं। वो फिर उस शिवलिंग को उठाते हैं और उसे झरने के नीचे रख देते हैं। तीसरा सीन है बाहुबली अवंतिका से जब मिलता है। जब बाहुबली पहली बार अवंतिका से मिलता है तो दोनों में लड़ाई हो जाती है। अवंतिका बाहुबली को पकड़ती है और ये सोचकर उसके पीछे भागती है कि उनके बुरे इरादे हैं और वो खतरनाक है। हालांकि उन्हें ये पता चलता है कि वो उनके प्यार में पागल है और उनके साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं। अब जिस सीन की हम बात करने वाले हैं वो है फाइनल वॉर का। ये मेरा भी मच फेवरेट सीन है, जब महेंद्र बाहुबली को उसके चचेरे भाई भल्लाल देव की तुलना में कम विनाशकारी हथियार दिए जाते हैं, लेकिन वो अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है और बड़े कपड़ों के टुकड़ों से आग के गोले बनाने में कामयाब होता है। वो न केवल कई दुश्मनों को मारता है, बल्कि कई ग्रामीणों को अपनी वीरता और प्रतिभा से भी बचाता है, और इसी तरह वो माहिष्मति का राजा बन जाता है। वहीं अगला सीन है कटप्पा का बाहुबली को मारना, जिसने लोगों के दिलों में भी सस्पेंस छोड़ दिया था जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, क्योंकि सेकंड पार्ट में ही पता चलना था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, क्योंकि कटप्पा और बाहुबली का जो रिलेशन था, कोई विश्वास ही नहीं कर सकता कि कटप्पा बाहुबली को मार सकते हैं। लेकिन जब हमने सेकेंड फिल्म देखी तब हमें पता चला कि क्या मजबूरी रही जिसकी वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ा। फिल्म के क्लाइमेक्स सीन के दौरान कटप्पा और बाहुबली दुश्मनों से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। सभी को आश्चर्य होता है कि कटप्पा ने बाहुबली को मार दिया। इस सीन ने दर्शकों को सदमा दिया और वो उत्तर पाने के लिए सिनेमा घरों में फ्रेंचाइजी के अगले भाग का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा। तो अब अगर बात करें कि बाहुबली 3 में किस ग्रंथ को दिखाया जा सकता है, ना कोई मरता है और ना ही कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत वो बिना शरीर वाले हो जाएंगे। ये तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर इनका शोक क्यों करते हो? तो गीता का ज्ञान इस फिल्म में, इसके थर्ड इंस्टॉलमेंट में हमें देखने को मिल सकता है। वेल, देखना वाकई एक्साइटिंग रहेगा कि बाहुबली 3 को कैसे बनाया जाता है, क्योंकि दोनों ही पार्ट काफ़ी भव्य स्तर पर बने हैं और लोगों की उम्मीदें काफ़ी बढ़ चुकी हैं कि बाहुबली 3 में भी उन्हें इनसे भी ज़्यादा अच्छा कुछ देखने को मिलेगा। तो
सभी ठीक उसी तरह बाहुबली 3 का इंतजार कर रहे हैं जिस प्रकार बाहुबली द बिगनिंग के बाद बाहुबली द कंक्लूजन का किया था। तो क्या आप भी इंतजार कर रहे हैं उतनी ही बेसब्री से? और आपको क्या लगता है इस बार फिल्म में क्या नया होना चाहिए जिसे देखकर आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आए? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।